I just saved it for this video and अब ये कचरे के डब्बे में जाएगा literally। Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ Mars Cosmetics का वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल एंड ये वाला जो लुक आप देख रहे हो ये मैंने सभी Mars Cosmetics के प्रोडक्ट्स को यूज करके ही किया हुआ है एंड बाय द वे दिस इज अ नॉन स्पॉन्सर्ड अनफिल्टर्ड अनबायस्ड रिव्यू ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम Mars Cosmetics जो कि आप मुझे आज यूज करते हुए देखोगे एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको सारे रिकमेंडेशंस भी दूंगी कि कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए कौन सा स्किप कर देना चाहिए एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अगर आप Mars Cosmetics में से कुछ भी ट्राई करना चाहते हो। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो मेरे पास है ये Mars का पोर क्योर प्राइमर जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम यूजिंग इट। सो मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुकी हूँ एंड मैं बता सकती हूँ कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो ये आप ले सकते हो बिकॉज ये एक सिलिकॉन बेस्ड ट्रांसपेरेंट प्राइमर है। सो अगर आप एक अफोर्डेबल प्राइमर ढूंढ रहे हो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय दिस। मूविंग नेक्स्ट मैं अब कलर करेक्शन करूँगी। जैसा आप देख सकते हो मेरे को काफ़ी सारे डार्क स्पॉट्स के इशूज़ हैं। आई हैव द Mars कवर रेंजर कंसीलर पैलेट। इसमें 12 कंसीलर शेड्स हैं कलर करेक्टर्स भी हैं। आप इसको एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो। कंसीलर कलर करेक्शन सब कुछ कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारी स्किन कंसर्न्स के लिए यू कैन बाय दिस पैलेट एंड बी सॉर्टेड वेल। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स किया है डार्क ब्राउन मिक्स करके मैं यहाँ पे अपने डार्क स्पॉट्स हाइड कर रही हूँ एंड अंडर आई सर्कल्स के लिए भी मैंने ऐसे ही 2-3 शेड्स को मिक्स करके अपना एक कस्टम शेड बनाया है। इसके कलर्स बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होते हैं एंड आपको इसके बाद कोई भी कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं फटाफट पूरा फेस अपना कवर करने के बाद देन आई एम गोइंग टू यूज़ अ बीबी क्रीम एंड ये Mars की बीबी क्रीम है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। जब भी मुझे कलर करेक्शन नहीं भी करना होता है आई स्टिल यूज़ दिस बीबी क्रीम एंड बहुत ही अच्छा एक नेचुरल सा फिनिश आता है। इसका कवरेज बहुत अच्छा है। मुझे बीबी क्रीम्स को लेके एक डाउट रहता था कि उनकी कवरेज इतनी अच्छी नहीं होती है बट ये मेरा मिसकनसेप्शन इस Mars की बीबी क्रीम ने दूर कर दिया बिकॉज इसकी कवरेज एक्चुअल में बहुत अच्छी है। अगर आपकी ऑयली स्किन है ड्राई स्किन है या कोई भी सीजन है विंटर समर आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे शेड्स भी आते हैं सो यू कैन चूज इट अकॉर्डिंगली। आई लव इट सो मच। वेल नेक्स्ट अप अब मैं यूज़ कर रही हूँ Mars का ट्रांसलूसेंट पाउडर। टू बी ऑनेस्ट ये मेरा सबसे पहला Mars का प्रोडक्ट था which made me completely fall in love with Mars Cosmetics and ये काफ़ी अच्छे से long lasting बना देता है आपके मेकअप को अच्छे से सेट करता है मेकअप को एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है स्वेट आता है तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। आती है फेस प्रोडक्ट्स की बारी विच इज़ ब्लश कॉन्टोर एंड हाईलाइटर बट मेरे पास कुछ भी ऐसे ना Mars ने जो सेपरेटली ब्लश कॉन्टोर्स एंड हाईलाइटर्स लॉन्च किए वैसा कुछ नहीं है। आई हैव आई शेडो पैलेट्स विथ द फेस प्रोडक्ट्स इन दैट जैसा कि ये लखनऊ पैलेट है मेरे पास सिटी पैराडाइज रेंज में से एंड इसमें आई शेडोज भी हैं साथ ही साथ आपको ब्लश कॉन्टोर्स एंड हाईलाइटर्स भी मिल जाते हैं। सो मैंने ऐसे ही चीज़ों में इन्वेस्ट किया है जिसके साथ मैं ईजिली ट्रैवल कर सकूँ एंड ईजिली ऑन द गो उनको यूज़ भी कर सकूँ एंड फॉर ब्लश आई एम थिंकिंग आई विल गो विद दिस वन एंड कॉन्टोर वगैरह हाईलाइटर मैं इस पैलेट में से यूज करूंगी। इस कॉन्टोर की अच्छी बात यह है दैट दिस इज अ कूल टोन कॉन्टोर। जनरली कॉन्टोर जो होता है वो डायमेंशन देने के लिए होता है। इट शुड बी कूल टोन्ड। सो अब बारी आती है ब्लश की। एज आई सेड कि मैं ब्लश के लिए ये वाली मेकअप किट यूज करूंगी सो आई एम गोइंग टू यूज दिस नाउ। सबसे पहले मैं आपको स्वॉच दिखा देती हूँ। ये एक बारबी पिंक सॉर्ट ऑफ कलर का ब्लश है। वेल मीडियम टू फेयर कॉम्प्लेक्शंस पे ये अच्छा सूट करेगा। आई एम डाउटफुल कि ये डीप स्किन पे कैसा लगेगा। इस हाइलाइटर को यूज करूंगी टैपिंग ऑफ द एक्सेस एंड वी बिगिन। वाओ बहुत ही अमेजिंग सा ब्लाइंडिंग सा ग्लो दिया है इसने। आई थिंक मैं एक्साइटमेंट में थोड़ा ज्यादा ना लगा लूँ। इनफैक्ट आई ऑल्सो डिड माई ब्राउज ऑफ कैमरा बिकॉज मुझे नहीं पता कि Mars के पास कोई ब्राउ प्रोडक्ट है कि नहीं। अगर है आपने कभी देखा है सो यू कैन करेक्ट मी बिलो इन द कमेंट सेक्शन। विल स्टार्ट विद द आई मेकअप नाउ एंड आई मेकअप में एज आई सेड मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज दिस वन देन वी हैव द मेकअप किट एंड उसके बाद जो Mars ने बहुत पहले लॉन्च किया था Mars की Fantasy 15 आई शेडो पैलेट जिसमें कि 15 आई शेडो शेड्स मिल जाते हैं आपको। अगर आपको ज़्यादा शेड्स चाहिए कम पैसे में सो यू कैन गो विद दिस वन। ये आई थिंक 299 की मिल जाती है ऑन Amazon ऑन नायका सब पे सेल पे ही रहती है मोस्टली। सो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। स्टार्ट विद दिस ट्रांजिशन शेड राइट हियर। इसका नाम है कबाब एंड इट जस्ट टेक्स मी बैक टू या लखनऊ की गलियां जहाँ पे टुंडे के कबाब मिलते हैं। ये रहा ट्रांजिशन शेड मेरा जो कि काफी पिगमेंटेड है। मुझे नहीं लगा था इतना पिगमेंटेड होगा। ये थोड़ा सा डीप पर्पल बर्गंडी शेड है एंड हल्का सा ब्लैक ले रही हूँ मैं, एंड उसको जस्ट अपने आउटर कॉर्नर पे ही लगाऊंगी टू गिव सम डेप्थ। इन दोनों ही शेड्स को मैं अपने आउटर कॉर्नर पे थोड़ा लगा के ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत इनर कॉर्नर तक नहीं ड्रैग कर रही हूँ, एंड लोअर लैश लाइन पे भी यही लगा रही हूँ। एंड अब मैं इस लुक को कंप्लीट करने के लिए ग्लिटरी ऑनेस्टली ये मस्कारा मुझे इतना पसंद नहीं आता बिकॉज अभी 2-3 महीना पहले ही मैंने इसको लिया था एंड इट हैज़ काइंड ऑफ ड्राइड डाउन सो, और इतना क्लम्पी है, मतलब ज़्यादा कुछ करता नहीं है। आई डोंट नो वाई पीपल वर गोइंग क्रेजी ओवर दिस कि मार्स फैबुलस मस्कारा इज़ द बेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट। आई थिंक आई हैव यूज्ड मैनी गुड मस्काराज दैन दिस वन। मुझे इतना पसंद नहीं आता है एंड आई वोंट रिकमेंड यू टू ट्राई इट आउट। इवन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट आप देख सकते हो जैसे ये कुछ भी नहीं कर रहा है मेरी आंखों पे, लाइक लिटरली इट्स डूइंग नथिंग। आई जस्ट सेव्ड इट फॉर दिस वीडियो एंड अब ये कचरे के डब्बे में जाएगा लिटरली। आई डू माई कंप्लीट आई मेकअप लुक एंड आई बी राइट बैक। एंड आई फील कि लैशेज लगाने के बाद इट्स लुकिंग प्रिटी नाइस, प्रिटी गुड, एंड थोड़ा सा बोल्ड लग रहा था बट नाउ इट हैज सेटल डाउन एंड इट्स लुकिंग क्वाइट सटल। लास्टली अब लिप्स की बारी है। सो मेरे पास एक मार्स की लिपस्टिक भी है विच इज दिस वन। इसको मैंने अपनी प्रीवियस एक रील में यूज किया था एंड ये थोड़ा रेड शेड है, दैट्स वाई आई एम नॉट यूजिंग इट टूडे। बट मेरे पास मार्स की इन्फिनिटी लिप पैलेट है। आप गेस करके बताओ कि मेरे पास इन तीनों में से कौन सी है। There are 16 shades, you can mix and match, create your own shades and बहुत ही pretty हैं ये colors. It comes with a brush as well. मैं इन 4 colors को mix करके अपने लिए custom lip shade बना रही हूँ। अगर आप एक makeup artist हो तो एक lip palette होना आपके पास बहुत ज़रूरी है and yes ये lip palette मुझे बहुत अच्छी लगती है and here is the final look. Do let me know कि आपको आज का look कैसा लगा। Also आपको अगर इन Mars products में से किसी का भी review separate देखना हो then do let me know in the comments as well. All the links are mentioned in the description box, so कुछ भी खरीदना हो you can check it out. And lastly time for my personal recommendations कि कौन से आपको खरीदने चाहिए मार्स में definitely. So here are these 4. मार्स की BB cream definitely ले लो, आपको बहुत पसंद आएगी, trust me on that. Even मार्स का translucent powder if you have an oily skin. Then city paradise palette में से कुछ तो ज़रूर होना ही चाहिए because इसमें face products भी हैं as well as eye shadows. And lastly this concealer and foundation concealer palette, you will love it and I hope you found this video helpful. Bye guys, love you all.